हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वरुणा फैशन क्लब। आज मैं आपको प्रिंस कटिंग ब्लाउज बताऊंगी। ये मेरा फैब्रिक है, ये मैं उस फैब्रिक से ब्लाउज के लिए कटिंग निकाल ली हूँ। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इस पे हम अस्तर को मैच कर लेंगे। अच्छी तरीके से आप इन अप से भी कर सकते हैं। फ्रंट का मैं 15 इंच लूँगी, सॉरी फ्रंट का मैं 16, बैक का मैं 15 इंच लूँगी। बाकी बचे हुए कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। इससे हमें आसानी होती है ब्लाउज़ बनाने में। इसको हम फोर्थ फोल्ड कर लेंगे। नेक हम 3 इंच रखेंगे, शोल्डर 6 इंच, आर्म होल 5.5 इंचेस, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करके आर्म होल शेप देंगे, वोट नेक शेप देंगे। इसको आप कट कर लेंगे हम। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी, प्रिंस कटिंग, जिस पे हम पफ ऐड करेंगे। ऊपर साइड हम 4 इंच लेंगे, नीचे हम 3 इंच लेंगे। यहाँ से हम प्रिंस कटिंग की शेप देंगे। इसकी अब हम कटिंग करेंगे। बराबर करके आप देख सकते हैं कि हमारी कटिंग हो चुकी है। इस पर हम कैसे ऐड करेंगे वो भी दिखाएंगे लास्ट में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं चैन कैसे ऐड करते हैं वो बताएँगे आपको। अगर इसमें हम बताएँगे तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लोग पसंद नहीं करेंगे इतनी लंबी वीडियो।
11 11 इंचेस पे हम पफ ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको आस्तीन कट करना बताऊंगी। ये मेरी लॉन्ग आस्तीन बनेगी 27 इंचेस की, 2 इंच डाउन कर देंगे हम इस पर। आस्तीन शेप देंगे अब हम, जैसे मैंने आर्मोल शेप दिया था। ऐसे हम पूरा शेप देंगे, अब इसकी फिर कटिंग करेंगे। अब इस ब्लाउज़ के प्रिंस कटिंग को हम इस पे ऐड करेंगे। अस्तर को अस्तर से ऐड करेंगे उल्टा करके, और फैब्रिक को उल्टा करके फैब्रिक से ऐड करेंगे। इसको अब हम ऐड करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा बन चुका है। अब हम नेक बनाएंगे। मैं बैक का आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से फ्रंट का भी बनेगा। दोनों अच्छी तरीके से हम बराबर कर लेंगे। अब इस पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे मेरा नेक एकदम बढ़िया अच्छे से साफ सुथरा रहे। हम इसको इस तरीके से नहीं पलटाएंगे कि सिलाई ऊपर आए, ऐसे पलटाएंगे कि सिलाई ऊपर ना आए। इस तरीके से इसमें हम मशीन चला देंगे, आप खुद देख रहे हैं। मेरा नेक बन के तैयार हो गया है। इस पे हम शोल्डर ऐड करेंगे और पफ ऐड करेंगे। आपको बताएं कैसे ऐड करना है।
आप देख रहे हैं कि इस पे हम पफ ऐड किए हैं। सुई से ऐड करना है पहले। अगर आप इससे कभी ऐड नहीं किए हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगी, उस पे मैं अच्छी तरीके से ऐड करना भी बताई हूँ। एक मैंने बना के रखा है, ऐसी सिलाई हमको इस वाले पे भी लगानी है। इसको लगा लेंगे। अब मैंने दोनों ऐड कर लिया है। ये वाली जो मैंने काले कपड़े सुई से सॉरी धागे से लगाया है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हम शोल्डर ऐड करेंगे। ये शोल्डर ऐड हो चुका है मेरा। साइड पे मैं अपने साइज के हिसाब से स्टिच की हूँ। अब प्लेट डालेंगे 4-4 इंचेस की। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लाइन स्टिच लाइन ड्रॉ करके उसको स्टिच कर सकते हैं। हम अपनी साइज के हिसाब से इस पे लाइन ड्रॉ करके स्टिच कर रहे हैं। फिर इसमें आस्तीन ऐड करेंगे हम। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरी ब्लाउज़ बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप मेरे इंस्टा पेज पर जाके इसे फ़ोटो में देख सकते हैं कैसी लग रही देखने में। थैंक यू।